तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एम एस यू एम आई के स्टॉक के बारे में एम एस यू एम आई के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार यहाँ पर तेजी ही देखने को मिली है आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में फाइव पॉइंट टू टू परसेंट की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है साथ ही आज की तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार सेवेंटी वन पॉइंट एट फाइव का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में सेवेंटी फोर का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में आगे एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में एट्टी देन यहाँ से हमको स्टॉक में एट्टी फाइव एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में नाइन्टी और हंड्रेड तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में सेवेंटी का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है दैन यासम हमको स्टॉक में सिक्सटी एट एंड दैन यासम हमको स्टॉक में सिक्सटी फाइव तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स नहीं है वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए धन्यवाद